हेलो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इस ज्योग्राफी के सवाल को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स? आइडेंटिफाई द मेजर क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडिया एंड द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद देम। बिल्कुल नो नॉनसेंस क्वेश्चन है। तीन पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं बेसिकली, और क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स को आपने बताना है। थोड़ा बहुत उसको इलेबरेट भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इंडिया के मेजर क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स के बारे में बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि आईपीसीसी अपने सिक्स्थ असेसमेंट राउंड के दौरान काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इसी मॉड, ठीक है, जो हिमालयस की स्टडी कंडक्ट की उन्होंने, काराकोरम रेंज की स्टडी कंडक्ट की, उसके बारे में बात की उन्होंने। देन देर वर लेफ्ट सेवरल रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो पिछले एक दो साल, एक डेढ़ साल के अंदर काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। इन रिपोर्ट्स से आपको जो जो इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है, पॉइंट्स चाहिए होता है, एज एन आइडियल एस्पिरेंट यू शुड नोट दैट डाउन फॉर राइटिंग इन द मेन्स आंसर राइटिंग। प्रिलिम्स के लिए सिर्फ ये एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन रिपोर्ट रिलीज करता है और कब रिलीज की गई थी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सबमिट वगैरह। लेकिन मेंस के लिए वो डेटा पॉइंटर्स के हमें एज एन एग्जाम्पल याद करने की हम कभी भी कोट कर सके, जी हाँ, ओशन टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, सी लेवल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, पोल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, हिमालयस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, कोस्टल एरियाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, मैंग्रोव्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ये ना ऐसे पॉइंटर्स है जो आप आंसर में अगर डेटा के साथ लिखेंगे तो आपके आंसर की रिलायबिलिटी और लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने इस आंसर को डिस्कस करना है। पहले तो हम बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट क्या होते हैं। क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स आर एरियाज वेयर स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कम टुगेदर विद लार्ज नंबर ऑफ वल्नरेबल एंड पुअर पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज। कहने का मतलब, एक ऐसा इलाका जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे फिजिकल और इकोलॉजिकल चेंजेस दोनों इकट्ठे आए, और वहां पे रहने के लिए जो लोग रहते हैं, मींस वहां की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो भी लार्ज हो और वल्नरेबल हो, मतलब डिपेंडेंट हो उस आसपास के इकोसिस्टम के ऊपर, ऐसी जगह को, ऐसी लोकेशंस को क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स बुलाया जाएगा। अगर आपने किसी जगह को क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट बुलाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें देखोगे? सबसे पहले तो साइंटिफिक रिसर्च उसके ऊपर अच्छे से कंडक्ट होनी चाहिए, है ना। विजिबल, हम लॉजिक से ही नहीं बात कर सकते, हमें रिसर्च करके उस एरिया की वल्नरेबिलिटी के लेवल को डिसाइड करना पड़ेगा। सो साइंटिफिक रोबस्टनेस इज ऑल्सो द मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई दैट वट इज अ हॉटस्पॉट एंड वट इज नॉट। तो इसका मतलब हॉटस्पॉट एक ऐसा इलाका होगा जहां पे ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब चाहे वो स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की वजह का हो, चाहे वो सॉइल इरोजन का हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स का हो, चाहे वो किसी और एडवर्स वेदर इवेंट का हो, चाहे वो सी लेवल राइज का हो, चाहे वो पॉपुलेशन के चाहे वो ड्रॉट्स का हो, कोई भी चीज हमें दिखनी चाहिए और वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रोवन होनी चाहिए, तभी उस एरिया को हम क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट बोलेंगे। दैट कॉज इफेक्ट रिलेशन शुड ऑल्सो बी देयर ना, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये चीज हो रही है। अभी तक मैथमेटिकल मॉडल्स बड़ी मुश्किल से चीजों को रिलेट कर पाते हैं, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक होक्स है। लेकिन काफी सारा एविडेंस अब तक तो इकट्ठा हो चुका है 1988 से लेके अभी तक, जब से आईपीसीसी की रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, दैट क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली क्रिएटिंग हॉटस्पॉट्स। और इस वजह से जहां जहां मल्टीपल स्ट्रेस होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ आ सकती है, वो तो डेफिनेटली हॉटस्पॉट का एक बनने का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया। फॉर वन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने देखना है तो अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ ओवरफिशिंग इन की स्पीशीज और इनएफिशिएंट यूज इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, दैट मींस एरियाज जो ऑलरेडी ससेप्टेबल है और जहां पे वैसे ही प्रॉब्लम एरियाज रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं सब सहारन अफ्रीका के अंदर, या इंडिया में हम कह सकते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, ये डिस्कस करेंगे अभी, एरिड और सेमी एरिड। इन रीजन्स के अंदर अगर ऑलरेडी जो रीजन अफेक्टेड है वहां पे प्रैक्टिसेस भी इस तरीके की होने लग जाएं जो अनसस्टेनेबल है, तो वो एरिया हॉटस्पॉट बनने के काबिल है। और आखिर में हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उससे डायरेक्ट नजर आना चाहिए। तो एक क्लाइमेट हॉट मैप करके एक
वेबसाइट थी, अब वो शायद डिफंक्ट हो चुकी है, लेकिन वो क्लाइमेट हॉट मैप क्या करता था, वो अलग अलग एरियाज को मैप कर देता था और ये बताता था कि उन एरियाज में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वार्मिंग वर्ल्ड कुड अफेक्ट अ हॉटस्पॉट बाय अफेक्टिंग रेजिडेंट्स फूड सप्लाई एंड पुटिंग कोस्टल होम्स एट रिस्क फ्रॉम डैमेज ऑफ राइजिंग सी लेवल। तो किस तरीके से वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, वो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट कहलाएगा। अब भारत के अंदर कौन से क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं और उनमें क्या क्या थ्रेट देखने को मिल सकते हैं? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स नंबर वन, ठीक है। सेमी एरिड और एरिड रीजन्स मतलब 100 सेंटीमीटर से कम जहाँ, या 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ रेनफॉल होती है, टेम्परेचर्स भी जनरली हाई रहता है, सॉइल की कंडीशंस बहुत ड्राई रहती है, सॉइल ज़्यादातर सैंडी होती है, लोमी नहीं होती है, और इस वजह से राइजिंग टेम्परेचर्स का इन एरियाज में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, सिवेयर चैलेंजेस विल बी देयर ड्यू टू लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु लिव। सो बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन है, हम कह सकते हैं रेन शेडो रीजन, तेलंगाना वाला जो रीजन है, रेन शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स वाला, या कर्नाटका का भी है कुछ हद तक, महाराष्ट्र का भी है काफी एरियाज। देन इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमली एरिड कंडीशंस में जाएं, तो हमारे राजस्थान के अंदर एरिड कंडीशंस है, गुजरात के कुछ पार्ट्स में एरिड कंडीशंस है, मध्य प्रदेश के चंबल चंबल एरियाज में एरिड कंडीशंस है। इन सभी एरियाज के अंदर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, जैसे जैसे हम हीट वेव्स का राइज होना भी देख रहे हैं। तो हम हीट वेव्स की भी दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट देर हैव बीन सेवरल हीट वेव्स दैट हैव कवर्ड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और 50-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हीट स्ट्रेस हो रहा है लोगों को भी, क्रॉप्स को भी और एनिमल्स को भी, बिग प्रॉब्लम। सेकेंडली, हिमालयन इकोसिस्टम बहुत बड़ा एक हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी 60% ऑलमोस्ट 50 से 60% जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो हिमालयन रिवर्स के ऊपर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। अब हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर चाहे वो इंक्रीज रेनफॉल वेरिएबिलिटी हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, चाहे वो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग हो, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हो, ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को नजर आ रहे हैं। हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर मेल्टिंग, ज्यादा मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की एज कंपेयर टू द प्रीवियस 50 ईयर्स। तो वो हमने हिमालयन, हिंदू कुश हिमालयस में भी देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। दैट 2/3, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि जो 2/3 ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम है, एक हिंदू कुश हिमालय, वो मेल्ट हो जाएगा भाई एक सेंचुरी के एंड तक। तो वही चीज हमने ध्यान रखनी है। एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 क्या कहता है कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ऑल हिमालयन स्टेट्स और यूटीज, दे विल विटनेस हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इसका मतलब लोग जो यहाँ के हैं वो काफी वल्नरेबल होने वाले हैं। फिर आता है जी कोस्टल जोन्स। कोस्टल जोन्स तो बहुत ही बड़ा हमारा हॉटस्पॉट बन सकता है। हमने कई रिपोर्ट्स में देखा है कि जो हमारी कोस्टल सिटीज है उनमें सी लेवल राइज की वजह से सबमर्जेंस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मुंबई उसका खास तौर पर एग्जाम्पल है, जो 2050 तक काफी हद तक सबमर्जेंस का शिकार बन सकता है बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज इन द अरेबियन सी। दूसरी चीज ये कि हमारे अरेबियन सी या नॉर्थ इंडियन ओशन में जितना हीटिंग हो रही है, ओवर हीटिंग हो रही है पिछले 10-20 साल से, उससे हम ये देख रहे हैं कि साइक्लोन्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज ऑल मैप डेटा अबाउट एज पर IPCC। तो IPCC की भी मानो या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की मानो, जो ये कहता है कि फ्रॉम 1993 टू 2017 सी लेवल हैज बीन राइजिंग एट अ रेट ऑफ 3.3 mm पर ईयर, जबकि इससे पहले 2004 तक जो जिस रेट से सी लेवल राइज करता था वो सिर्फ 1 mm या 1.5 mm पर ईयर होता था, डबल हो चुका है। तो अभी तो आपको कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोचो 3 mm इनटू आने वाले 50 साल, तो 150 mm या 15 सेंटीमीटर जब सी लेवल राइज होता है ना, तो वो सी लेवल राइज है, वो किसी पानी की बकेट राइज नहीं हो रही है। तो अगर इतना राइज हो जाता है 50 साल के अंदर, तो आप देख सकते हो दैट दिस विल बी अ लॉट ऑफ सबमर्जेंस विल स्टार्ट हैपनिंग। और इन रीजन्स के अंदर क्योंकि लोग फिशिंग कम्युनिटीज भी हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ सी के ट्रेड के ऊपर आधा डिपेंडेंट हैं,
और यहाँ ड्वेलिंग यूनिट्स भी हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो तीन रीजन्स हमने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के हॉटस्पॉट भारत में कहलाए जा सकते हैं, और इसी वजह से हमें बस हमें और ज़्यादा इसमें मिटिगेशन और ये सब नहीं बताना है। रीज़न बीइंग कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, हम ज़्यादा ज्ञान नहीं इसमें देने वाले कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, कैसे मिटिगेशन अडेप्टेशन की जाए। बस हम इसे कंक्लूड करेंगे कि इसका जो क्लाइमेट चेंज है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है। इसमें आप अलार्मिस्ट हो सकते हो, देखो क्लाइमेट चेंज के मामले में यू कैन बिकम अलार्मिस्ट इन द एग्जाम ऑल्सो। यू विल से दैट द चैलेंज फॉर इंडिया इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू मेक द कंट्री नेट जीरो, नेट जीरो का टारगेट रखा है ना 2070 तक, एंड टू कंक्लूड विद शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज, जो इमीडिएट थ्रेट्स हमें नजर आ रहे हैं उनके लिए हमें अडेप्टेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बस आपका ये आंसर है काफी हद तक कंप्लीट हो जाए।